जिससे मेरा सवाल ये जी कि जब हम छोटे थे ना समझ थे उस टाइम जो गलतियां किए छोटे में, जब चोरी उरी पता नहीं था कि मतलब चोरी करना कैसा कि हराम या कैसा है, तो अभी बड़े हो गए तो समझ में आया कि चोरी करना हराम है। तो पैसा जो चोरी किए बचपन में, तो पैसा के लौटाना सही रहेगा या मतलब वो माफ मांगने से माफी हो जाएगा? हाँ जी भाई, सर का सवाल ये है, बहुत अहम सवाल है शेर, कि जी जी बचपन में किसी बच्चे ने किसी का माल चोरी किया, तो अब जब उसको एहसास हुआ बड़े होने के बाद कि चोरी करना तो गलत बात है, गुनाह है, तो अब वो क्या करे? तो यहाँ पर दो अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर बच्चे ने चोरी किया है तो बच्चा तो अभी गैर मुकल्लफ है, बच्चा गैर मुकल्लफ है, शरीयत के अहकाम का वो मुकल्लफ नहीं है, शरीयत के अहकाम का पाबंद नहीं है। तो अगर बच्चे ने चोरी किया है तो बच्चे को गुनाह नहीं मिलेगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि बच्चे को गुनाह ना मिलने से क्या ये लाजिम आता है कि सामने वाले का जो हक है वो हक जाये हो जाएगा? नहीं, वो हक जाये नहीं होगा। देखिए, किसी इंसान का बालिग ना होना उसके गैर मुकल्लफ होने की अलामत है, यानी जी बालिग ना होना ये उज्र है, लेकिन ये उज्र किस चीज में है? उसको गुनाह ना मिलने में उज्र है, किसी दूसरे का हक जाये होने में उस उज्र नहीं है। तो जो दूसरे का हक जाये किया है या लिया है उस बच्चे ने, वो हक उसको मिलना चाहिए, क्योंकि इंसानों के हुकूक के बारे में ये आम कायदा है कि अगर किसी इंसान का हक किसी ने मार लिया, जानबूझकर गलती से मार लिया, जहालत में मार लिया किसी का हक, तो जी जहालत या भूल चूक की वजह से गुनाह तो माफ है, लेकिन बंदे का हक जाये नहीं होगा। बंदे का जो हक है वो मजमून है, लिहाजा उसका हक उसे दिया जाएगा। तो जब आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, अब जिसका जिससे आपने चोरी किया था उसको उतना माल या तो आप वापस करें या तो वो आपको माफ कर दे। जैसे कई दफा होता है शेख कि जी कोई छोटा बच्चा है, उसने किसी का सामान नुकसान कर दिया, ठीक है? तो जी किसी का सामान नुकसान कर दिया बच्चा बच्चे ने, तो बच्चा गुनहगार तो नहीं है, उसके ऊपर कोई मलामत नहीं है शरीयत की जानिब से, लेकिन जिसका जी सामान नुकसान किया है उसका हक जाये नहीं होगा। वो जो इतलाफ किया है इसको जमानुल मुतलफात बोलते फुकहा की जबान में, तो वो मजमून है, वो उसका हक उसको दिया जाएगा। गुनाह तो बच्चे पर नहीं है, कोई सजा बच्चे पर नहीं है, लेकिन उसका हक उसको वापस दिया जाएगा। लिहाजा अगर बचपन में आपने किसी का चोरी किया है और आपको अब याद है, तो आप उसको जाकर के वो वापस कर दें।